तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन एंड रिव्यू करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी फ्रेडी के बारे में। इस मूवी को IMDb की ओर से 10 में से 8.5 की रेटिंग्स मिली हैं और कमाल की बात यह है कि 96% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। तो चलिए दोस्तों पहले हम सब साथ में मूवी देखते हैं और बाद में हम इस मूवी का साथ में रिव्यू करेंगे ताकि मूवी का हर एक पहलू हमारे सामने क्लियर हो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्रेडी यानी कार्तिक आर्यन किसी लड़की से बातचीत कर रहा था और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी को शादी.com पर मिली थी। फ्रेडी अपने आप को अकेला समझ रहा था, इसी वजह से फ्रेडी किसी भी लड़की के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन पहले की तरह ये लड़की भी फ्रेडी को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। फिर एक बार एक लड़की फ्रेडी को किसी पार्टी में दिखाई देती है और फ्रेडी उसे बातचीत करने के लिए चला जाता है। हालांकि फ्रेडी को पता नहीं था कि वो लड़की पहले से ही शादीशुदा है। कुछ ही पलों में उस लड़की का पति वहाँ पर आ जाता है और फ्रेडी पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि फ्रेडी उसकी वाइफ के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। लड़की का पति यानी रुस्तम फ्रेडी की बैंड बजाकर अपनी वाइफ के साथ उस पार्टी से चला जाता है। लेकिन दोस्तों वो लड़की यानी कायनाज फ्रेडी को इतनी पसंद आ चुकी थी कि उसके मन में हर वक्त उसी का सपना चलते रहता था। लेकिन अगले दिन कायनाज फ्रेडी के हॉस्पिटल जाती है क्योंकि फ्रेडी दांतों का डॉक्टर था और कायनाज की फ्रेंड ने उसे वहां जाने के लिए डायरेक्शन दिया था। फ्रेडी काफी खुश होता है और वहां पर थोड़ी सी दोनों के बीच बातचीत होती है। अगले दिन वापस कायनाज फ्रेडी के पास जाती है क्योंकि उसे भी फ्रेडी काफी पसंद आ चुका था। फ्रेडी उसका वापस इलाज करता है और किसी तरह कायनाज के घर का एड्रेस अपने फोन पे सेव कर लेता है। शाम को जब फ्रेडी कायनाज से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो देखता है कि कायनाज का पति उसे मार रहा था क्योंकि कायनाज के पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कायनाज फ्रेडी से मिले। रुस्तम को मारता हुआ देखकर फ्रेडी काफी घबरा जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन कायनाज वापस फ्रेडी से मिलती है, तब फ्रेडी को पता चलता है कि रुस्तम को जरा भी पसंद नहीं था कि कायनाज किसी से मिले। वहां पर बातें करके दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और बातें खत्म करके दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इस वक्त के बाद फ्रेडी और कायनाज बार बार एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि उन दोनों को भी पता नहीं था कि कब उसकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी है। एक वक्त आता है जब कायनाज फ्रेडी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पति के होते ये सब मुमकिन नहीं है। तभी फ्रेडी उसे कहता है कि हमें एक होने के लिए तुम्हारे पति यानी रुस्तम को हमारे बीच से हटाना होगा। ये सब सुनकर पहले तो कायनाज साफ साफ मना कर देती है लेकिन फ्रेडी किसी तरह से उसे समझा बुझा देता है। फ्रेडी अब सही इंतजार में था कि कब वो रुस्तम का खेल खत्म करेगा, इसलिए फ्रेडी रुस्तम पर हर वक्त नजरें गड़ाए हुआ था। लेकिन एक वक्त आता है जब रुस्तम जॉगिंग करने के लिए निकल था, तभी फ्रेडी अपनी कार रुस्तम के ऊपर चढ़ाकर उसे मौत की नींद सुला देता है। अगले दिन फ्रेडी जब कायनाज के घर जाता है और वहां का नजारा देखकर फ्रेडी को पैरों के तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि तब फ्रेडी को पता चलता है कि कायनाज किसी और से प्यार कर रही थी और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए कायनाज ने फ्रेडी के साथ इतना बड़ा गेम खेला था। कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी को वहां से भागा देते हैं और ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो हम पुलिस को तुम्हारी सारी सच्चाई बता देंगे। उस वक्त के बाद फ्रेडी काफी उदास और गिल्टी हो गया था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसने क्या कर दिया। फ्रेडी वापस एक बार कायनाज से मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो कायनाज से सच्चा प्यार करता था, लेकिन तब कायनाज का BF फ्रेडी को जोरदार तमाचा मारता है और उसे वहां से वापस भाग देता है। दोस्तों अब आता है मूवी में धमाकेदार मोड़ क्योंकि फ्रेडी अब बदल चुका था और वो अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वो एक रात कायनाज के घर जाता है और उसके डिनर में कुछ मिला देता है जिसकी वजह से कायनाज और उसका BF कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। तब फ्रेडी अपने सारे सबूत मिटा देता है और दोनों को तमाचे मार कर वहां से चला जाता है। कायनाज और उसका BF उठने के साथ ही घूमरी खा जाते हैं क्योंकि उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों के चेहरे पर ये सारे घाव कैसे आए। लेकिन कायनाज को शक हो गया था कि ये सब फ्रेडी का ही किया कराया है और कायनाज को ये भी पता था कि फ्रेडी अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए कायनाज अपने BF के साथ फ्रेडी के घर जाती है और उसके साथ मार पिटाई करती है। लेकिन कुछ ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है और फ्रेडी को बचा लेती है क्योंकि फ्रेडी का प्लान मास्टर प्रूफ था। कायनाज पुलिस को सच्चाई बताती है कि मेरे पति रुस्तम को इस फ्रेडी ने मारा है, लेकिन पुलिस उसका विश्वास नहीं करते और कायनाज और उसके BF को फ्रेडी के घर से भागा देते हैं। कायनाज फ्रेडी को सबक सिखाने के लिए उसके घर से फ्रेडी का प्यारा सा कछुआ उठा लेती है और उसे मार गिराती है। फ्रेडी को ये सारी बातें पता चलते ही वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने कछुए से बहुत प्यार करता था। अगले दिन पुलिस फ्रेडी के घर जाती है क्योंकि रुस्तम के मर्डर केस में पुलिस वालों को उसकी कार का पता लग चुका था
लेकिन फ्रेडी कहता है कि कार मेरी थी लेकिन कायनाज का बीएफ उसे चला रहा था। फ्रेडी कहता है कि वो मेरे से कहीं पे जाने के लिए मेरी कार को ले गया था और वापस आया तो मैंने देखा कि कार के बम्पर पे बड़ा डेंट है। पुलिस फ्रेडी का बयान अपनी रिपोर्ट में दर्ज करती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि फ्रेडी वापस कायनाज और उसके बीएफ को किसी सुनसान जगह पे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि आज हम आमने सामने बैठकर इस बात का कोई निराकरण निकल लेंगे। कायनाज और उसका बीएफ मुसीबत से बाहर निकलने के लिए फ्रेडी की बताई जगह पर उसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर फ्रेडी अपनी शॉक स्टिक के जरिए दोनों को बेहोश कर देता है। जब कायनाज और उसके बीएफ की आंखें खुलती है तो देखते हैं कि वो दोनों फ्रेडी के बंदी है। फ्रेडी उन दोनों को मथाफिरा के जैसा टॉर्चर करता है। फ्रेडी उन दोनों के दांतों को जिंदा बाहर निकाल देता है और आखिर में फ्रेडी कायनाज को जिंदा जमीन में दफन कर देता है और कायनाज की कब्र के ऊपर लेट जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू की। तो इस मूवी में आपने जैसे देखा कि पहले से आधी मूवी तक सस्पेंस ऐसे है बरकरार रहता है, लेकिन दोस्तों जब कायनाज की असलियत हमारे सामने आती है इसके बाद कुछ थ्रिल और सस्पेंस जैसा कुछ नहीं लगता और ऐसे ही मूवी बदला लेने देने के चक्कर में एंड की ओर बढ़ती है और आखिर में बिना कोई ट्विस्ट के मूवी एंडिंग हो जाती है। हालांकि फ्रेडी की मास्टर प्लानिंग हम सबको खुश करती है और साथ में इस मूवी में काम करने वाले एक्टर्स की एक्टिंग भी काफी बढ़िया है, लेकिन दोस्तों फिल्म की जैसी स्टोरी है उस माध्यम से सस्पेंस भी क्रिएट करना पड़ता है जो इस मूवी में थोड़ा डाउन दिखा रहा है। फिल्म का बजट लगभग 50 करोड़ था और प्रोडक्शन वालों का मानना है कि फिल्म 3 से 4 दिनों के अंदर 80 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने 80 करोड़ का कलेक्शन किया है या नहीं ये तो प्रोडक्शन ही जाने। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका मंतव्य क्या है इस फिल्म के बारे में, कमेंट में बताना जरूर। तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे अगली मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।